मूवी स्टार्ट होते ही हम एक टेक्सटाइल मिल के ऑनर पॉल को देखते हैं, जो उस वक्त अपनी बेटी मार्टिन से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है। मार्टिन अपने फादर को बताता है कि उसकी मदर की तबीयत फिर से खराब हो गई है और एक बार फिर से वो अकेले में बातें कर रही है, जिस पर उसके फादर उसे रिप्लाई करते हैं कि मैं घर आ रहा हूँ, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ पॉल की सिस्टर जब एक रूम की लाइट ऑफ कर रही होती है, तब वहाँ पर उसे किसी का शेडो नजर आता है और जैसे ही वो रूम की लाइट ऑन करती है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन दोबारा से लाइट ऑफ करने पर वो भयानक साया फिर से नजर आता है और ऐसा बार बार हो रहा था। और फिर वो सिस्टर देखती है कि वो शेडो उसके बिल्कुल करीब आ चुका है, जिससे वो काफी डर जाती है। वो पॉल के पास आती है और उसे बताती है कि उस रूम में कोई है, लेकिन पॉल कॉल पर बिजी होता है इसलिए उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसे घर जाने का कहता है। जाते हुए पॉल की असिस्टेंट उसे भी केयरफुल कहकर चली जाती है। और फिर जब पॉल घर जा रहा होता है, तब उसे भी वो भयानक किस्म का साया नजर आता है और वो देखता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी करीब आ रही है। पॉल अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता तो है, लेकिन वो उस पर अटैक कर देती है, जिससे पॉल की टांग पर उसके पंजों की जहरी गहरी जख्म बन जाती और फिर वो पॉल के बिल्कुल सामने आ जाती है। और फिर पॉल को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ अंधेरे में ही रह सकती है, क्योंकि ये सच था, वो लाइट में नहीं आ सकती थी। फिर पॉल वहाँ से भागकर अपने ऑफिस में आता है और तब ऑफिस की सारी लाइट्स बंद हो जाती और तभी कोई ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तब वहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा होता। और ठीक उसी वक्त पॉल को कोई पीछे की तरफ से खींच कर ले जाता और उसको मार कर कोई नीचे फेंक देता। फिर काफी टाइम गुजर जाने के बाद हमें मार्टिन दिखाया जाता है, जो सोने जा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ आवाजें सुनाई देती और जब मार्टिन जाकर चेक करता है, तब वो दिखता है कि उसकी मदर अंधेरे में अकेले ही किसी से बातें कर रही है। मार्टिन की मदर सोफी जब मार्टिन को देखती है तो वो कहती है कि हमने तुम्हें डरा दिया, जिस पर मार्टिन काफी हैरान भी होता है और डर भी जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी मदर के अलावा और कोई नहीं था। तो फिर उसकी मदर किसको कह रही थी कि हमने तुम्हें जगा दिया। मार्टिन फिर से अपने रूम में सोने जाता है और जब वो अपनी मदर को पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे उसकी मदर के बिल्कुल साथ किसी के भयानक पंजे नजर आते हैं और मार्टिन फिर से काफी डर जाता है और भागकर अपने रूम में आ जाता है। मार्टिन जब अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने बिस्तर पर आ जाता है, तब उसकी रूम का दरवाजा कोई खोलने की कोशिश करता है और तब डर की वजह से मार्टिन पूरी रात सो नहीं पाता और नेक्स्ट मॉर्निंग मार्टिन स्कूल में ही सो रहा होता है। इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर वाले पहले सोफी को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफी से कॉन्टेक्ट ना होने की वजह से वो मार्टिन की सुतेली सिस्टर रेबिका को बुलाते हैं। रेबिका और मार्टिन की मदर एक ही थी। तब स्कूल वाले उसे बताते हैं कि मार्टिन स्कूल आते ही सो गया था और वो हफ्ते में तीसरी मर्तबा सो रहा था। और फिर रेबिका मार्टिन को लेकर अपनी मदर सोफी के घर आ जाती है और तभी रेबिका मार्टिन से पूछती है कि क्या मदर किसी से मिलती जुलती है या नहीं। तब मार्टिन जवाब देता है कि मदर सिर्फ डायना से मिलती है और उसी से ही अकेले में बातें करती है। ये बातें सुनकर रेबिका कुछ हैरान हो जाती है। तब रेबिका उसे कहती है कि डायना जैसा तो कोई है ही नहीं। रेबिका और उसकी मदर के दरमियान थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। मार्टिन जब अपने कपड़े पैक कर करके आ रहा होता है, तब वो अपनी मदर के रूम में झांकता है और उस वक्त भी वो भयानक साया मार्टिन को डरा देता है। और तभी रेबिका मार्टिन को कुछ दिनों के लिए अपने साथ अपने घर लाने की बातें करती है, जिस पर सोफी काफी रोती है और उन दोनों बच्चों को काफी रोकने की कोशिश करती है, जिस पर रेबिका अपनी मदर की एक नहीं सुनती और मार्टिन भी डरा हुआ होता है, इसीलिए वो भी रेबिका के साथ चला जाता है। रात में रेबिका सोते हुए अचानक नींद से जाग जाती है और तब वो देखती है कि मार्टिन अपने बेड पर नहीं है। और तभी रेबिका को दरवाजे के पास जमीन स्क्रैच करने की आवाजें आती, जिस पर रेबिका समझती है कि शायद वो स्क्रैच मार्टिन कर रहा है। और तभी से बाहर से आ रही हुई लाइट जो थोड़ी देर बाद ऑन हो रही थी, थोड़ी देर बाद ऑफ हो रही, और तब रेबिका को वो डिमोनिक शेडो नजर आता है। लेकिन इससे पहले कि वो लाइट फिर से ऑफ होती, रेबिका जल्दी से भागकर लाइट ऑन कर देती है। रेबिका बाथरूम में जाती है और वो देखती है कि मार्टिन बाथटब में सोया हुआ है और सोते हुए भी उसने एक टॉर्च को ऑन करके अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट मॉर्निंग चाइल्ड वेलफेयर वाली आती है और मार्टिन को अपने साथ लेकर चली जाती है, क्योंकि कानूनन सोफी मार्टिन की गार्डियन थी, रेबिका नहीं। रेबिका की नजर उस जगह पर पड़ती है जहां पर वो शैतानी परछाई रात को स्क्रैच कर रही थी। वहां पर उसने अपना नाम लिखा था और एक पिक्चर भी बनाई थी। फिर रेबिका अपने फ्रेंड के साथ अपनी मदर के घर पर जाती है। वो अपने फ्रेंड को नीचे रुककर पहरा देने को कहती है कि अगर उसकी मदर वहाँ आ जाती है तो वो उसको इन्फॉर्म कर दे। रेबिका डायना से रिलेटेड प्रूफ ढूंढ रही होती है, तब उसे वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसकी मदर और डायना के रिकॉर्ड होते हैं। और वहीं पर रेबिका को उसकी मदर और डायना की एक पिक्चर भी मिलती है, पर उसे ये भी पता चलता है कि जब उसकी मदर छोटी थी तब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी और वहीं पर उसकी मदर को डायना मिली थी और उस वक्त डायना को एक अजीब किस्म की स्किन
डिसीज थी। वो सूरज की लाइट में नहीं आ सकती। जैसे ही वो सूरज की रोशनी में आती थी उसकी स्किन जलने लगती थी। और उसी हॉस्पिटल में उसकी मदर और उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। और वहाँ के लोगों का ये मानना भी था कि डायना एक शैतान है और वो बड़ी आसानी से कमजोर लोगों पर हावी हो जाती है। यहाँ तक कि उसने अपने फादर को पोजेस करके उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था। और हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर के टाइम तेज लाइट की वजह से डायना की डेथ हो गई। रेबिका जब अपने पुराने रूम में जाती है तब वो शैतान रेबिका को अंदर ही बंद करके अंधेरे में उस पर अटैक कर देती है। रेबिका बहुत ज्यादा चिल्लाती है और उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसका फ्रेंड जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है लाइट होने की वजह से डायना रेबिका को छोड़ देती है और वहाँ से भाग जाती है। इस पर रेबिका काफी डर जाती है और वो अपने फ्रेंड के साथ उस बॉक्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर सोफी और मार्टिन घर आ रहे होते हैं और सोफी उसे कहती है कि वो गुड टाइम उसके साथ स्पेंड करना चाहती है, इसलिए हम तीनों आज एक साथ बैठकर मूवी देखेंगे। जिससे मार्टिन डर जाता है और वो अपनी मदर को कहता है कि मॉम सिर्फ हम दोनों। और जब वो दोनों मूवी देख रहे होते हैं तब सोफी घर की लाइट्स ऑफ कर देती है और फिर वहाँ डायना आती है, जिससे मार्टिन बुरी तरह डर जाता है। और सोफी उसे कहती है कि डायना मेरी दोस्त है। वो कहती है कि मैंने काफी दिनों तक उसे अपने से दूर रखा और अब वो हमारे साथ हमारे बीच में ही रहेगी। और तभी जब मार्टिन डायना को देखता है तो वो डर जाता है और लाइट ऑन करके वहाँ से भाग जाता है। और इसी दौरान डायना गुस्से की वजह से सोफी को भी मारती है और मार्टिन रेबिका के घर आती है। और तब रेबिका भी उसकी मदर और डायना की स्टोरी मार्टिन को बताती है और कहती है कि हमें अपनी मदर को इस शैतानी डायना से बचाना है और हमें मदर को मेडिसिन देनी होगी, क्योंकि जब मदर मेडिसिन नहीं लेती तब वो मेंटली वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आसानी से डायना उन पर हावी हो जाती है। जिस पर मार्टिन कहता है कि वो ऐसा कभी भी होने नहीं देगी, क्योंकि उसके फादर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी, डायना ने उन्हें मार डाला। और तभी डोरबेल बजती है और जब रेबिका देखने जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता और फिर अंदर रूम से आवाज आती है और तब डायना मार्टिन को अंधेरे में बेड के नीचे खींचती है। रेबिका मार्टिन की हेल्प करके उसे बचा लेती है और फिर रेबिका मार्टिन और अपने फ्रेंड ब्रेट के साथ अपनी मदर के घर आती है। रेबिका अपनी मदर से डायना के बारे में बात करती है। पहले तो सोफी बिल्कुल अनजान बन जाती है कि वो किसी डायना को नहीं जानती। और जब रेबिका उसे उसकी और डायना की पिक्चर दिखाती है तो वो कहती है कि हाँ डायना मेरी फ्रेंड है। इस कन्वर्सेशन के दौरान उन दोनों माँ बेटी में बहस होती है और गुस्से की वजह से सोफी अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद रेबिका मार्टिन को अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन इतना खतरा होने के बाद भी मार्टिन उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मेरी मदर को मेरी जरूरत है और इस मुश्किल टाइम में मैं उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। और तभी रेबिका और ब्रेट भी वहीं रुकने पर एग्री हो जाती है। रेबिका घर की सारी लाइट्स ऑन करके उस पे टेप लगा देती है ताकि कोई भी लाइट्स बंद ना कर सके। इसके अलावा वो और भी एक्स्ट्रा लाइट्स पूरे घर में लगा देते हैं। उसकी मदर काफी परेशान नजर आ रही होती है और वो चुपके से रेबिका के हाथ में कागज का एक टुकड़ा पकड़ा देती है। और जब रेबिका उस कागज को ओपन करती है तब उस पर सोफी ने लिखा था आई नीड हेल्प, जिससे ये वाजिया हो जाता है कि सोफी मुसीबत में थी और वो डायना से छुपकर हेल्प मांग रही। रेबिका मार्टिन को बताती है कि वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर अपनी मदर की हेल्प करेगी और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। रात में डायना पूरे घर का पावर कट कर देती और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। रेबिका की आंख खुलती है और वो अंधेरा देखकर काफी डर जाती है। वो बेसमेंट जाती है ताकि फ्यूज ऑन करके पावर वापस ला सके। और फिर मार्टिन भी जाग जाता है और वो अंधेरा देखकर और खुद को अकेला देखकर काफी डर जाता है। वो कैंडल लाइट से रेबिका को ढूंढता है और फिर वहाँ डायना आती है। डायना मार्टिन को काफी डरा देती है और उसे घसीट कर ले जा रही होती है। और जब मार्टिन कैंडल लाइट उसकी तरफ करता है तो वो उसे छोड़ देती है। मार्टिन भी बेसमेंट में फ्यूज बॉक्स के पास जाता है जहाँ पर उसकी सिस्टर फ्यूज ठीक कर रही होती है। जब वो दोनों बेसमेंट में होते हैं तब उन्हें इस बात का रियलाइज होता है कि कहीं उन्हें यहाँ भेजकर उनके लिए बचाया गया ट्रैप तो नहीं है। और फौरन डायना बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। रेबिका और मार्टिन जोर जोर से दरवाजा बजाते हुए ब्रेट को हेल्प के लिए बुला रहे होते हैं और तब इनकी आवाज सुनकर ब्रेट वहाँ आता है। ब्रेट डोर ओपन करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, तभी डायना उस पर अटैक कर देती, जिससे उसके हाथ से वो टॉर्च काफी दूर गिर जाती है। और तब डायना उसे जान से मारने वाली होती है और तब वो मोबाइल की लाइट ऑन करके खुद को बचा लेता है, जिससे डायना एक बार फिर उस पर अटैक करके उसका मोबाइल ही तोड़ देती है। और तब ब्रेट घर से बाहर भागता है और भागते हुए जब रास्ते में अंधेरा आता है तो डायना फिर से उस पर अटैक कर देती है और तब वो गाड़ी की लाइट ऑन करके अपनी जान बचाता है और वो कार लेकर वहाँ से चला जाता है। इन सब के दौरान सोफी की भी आंख खुल जाती है और वो फौरन समझ जाती है कि डायना उसकी फ्रेंड नहीं है और वो उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली है। और फौरन वहाँ डायना आती है और सोफी उसे कहती है कि वो उसके बच्चों से दूर रहे। इस पर डायना सोफी को काफी डराने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं डरती और वो डायना को कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और इसी
इसीलिए तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। और सोफी जब अपने डिप्रेशन की मेडिसिन लेने लगती है तब डायना उसे मारती है। तब उसका सर एक टेबल से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर डायना ने उसे मेडिसिन इसीलिए खाने नहीं दी क्योंकि अगर वो मेडिसिन लेगी तो वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगी और वो उसे पोजेस भी नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ वो दोनों बहन भाई बेसमेंट में आग जलाकर वहाँ पर रोशनी करते हैं। वहाँ पर सामान में मार्टिन को एक यूवी लाइट मिलती है। रेबिका वो यूवी लाइट लेकर और अंदर जाती है ताकि वहाँ से कोई यूजफुल चीज ले सके। और वहाँ जाकर उसे ये पता चलता है कि डायना यही बेसमेंट में ही रहती है क्योंकि वहाँ फुल टाइम अंधेरा ही रहता है। और वहाँ पर उसे एक मैसेज भी लिखा हुआ नजर आता है जो डायना ने लिखा था कि अगर वो डायना और सोफी के बीच में आएगी तो वो उसे मार डालेगी। और एक बार फिर से डायना आती है और वो रेबिका पर अटैक कर देती है। यूवी लाइट इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि डायना उससे डर जाए। रेबिका वहाँ से भागती है और तब डायना उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर एकदम से लाइट जलती है जिससे डायना की स्किन जलना शुरू हो जाती है। वो लाइट मार्टिन लेकर आया था जिससे वो रेबिका को छोड़ देती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और उन दोनों को पुलिस सायरन की आवाज आती है और वो बेसमेंट के दरवाजे पर नॉक करने लग जाते हैं। और वो पुलिस ब्रेट लेकर आता है जिनमें एक मेल और एक फीमेल पुलिस ऑफिसर होते हैं और रेबिका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं। और तभी वहाँ डायना आती है और वो सीनियर पुलिस पर अटैक करके उसे जान से मार देती है। लाइट यूज करने का कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो फीमेल पुलिस ऑफिसर को भी मार डालती है। रेबिका ब्रेट को कहती है कि वो मार्टिन को लेकर बाहर चला जाए और खुद वो सोफी को लेने ऊपर जाती है। और यहाँ पर डायना एक बार फिर से बुरी तरह रेबिका पर अटैक कर देती है और उसे उठाकर नीचे फेंक देती है। और साथ में वो ये भी कहती है कि वो उसके फादर की तरह उसे भी जान से मार डालेगी। लेकिन इससे पहले कि वो रेबिका को जान से मारती सोफी वहाँ आ जाती है। सोफी डायना को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहना और वो डायना की तरफ गन करके उसे शूट करती है जिस पर डायना उसे कहती है कि मुझे इस गन से कुछ होने वाला नहीं है। जिस पर सोफी खुद को ही शूट कर लेती क्योंकि डायना वहाँ सोफी की वजह से ही थी। और जैसे ही सोफी मरती है डायना भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सोफी ने अपने बच्चों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को ही सेक्रीफाइस कर दिया। और उसके बाद वहाँ पर और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और रेबिका ब्रेट और मार्टिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।